हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ श्वेता और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पिस्टिल के बारे में, देखेंगे मेगा स्पोरेंजियम क्या होता है, ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट होते हैं और जानेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, और इसे पिस्टिल में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, जो कि होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी पिस्टिल के। आपको जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर सबसे टिप पर, वो होता है स्टिग्मा, और जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो होता है स्टाइल, और बेसल पार्ट पे जो स्वेलन स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। फिर यही ओव्यूल प्रोड्यूस करता है मेगा स्पोर, और इसी मेगा स्पोर को हम कहते हैं फीमेल गैमेट। तो आपको पता चल गया ना कि जो पिस्टिल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ऊपर जो टिप पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टाइल, और बेसल स्वेलन जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं ओवरी। उसी ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल, और वही ओव्यूल प्रोड्यूस करते हैं मेगा स्पोर, और इसी मेगा स्पोर को हम क्या कहते हैं फीमेल गैमेट। फिर इसी फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। चलिए जैसे कि नोट कैसे करना है, तो आप इस तरह लिखेंगे पिस्टिल के बारे में कि द पिस्टिल यूजुअली इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, यानी कि पिस्टिल जो होता है वो किसी भी फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है और 3 पार्ट्स से मिलके बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर स्टिग्मा क्या होता है, द स्टिग्मा इज द स्टिकी नॉब एट द टॉप ऑफ द पिस्टिल। फिर इट इज़ अटैच्ड टू द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टाइल, एंड द स्टाइल लीड्स टू द ओवरी दैट कंटेन द फीमेल एग सेल्स कॉल्ड ओव्यूल्स। तो आप ऐसे नोट्स बनाते चलिएगा। पिस्टिल की बात करें स्टूडेंट्स, तो पिस्टिल 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोकार्पस, सिनकार्पस और एपोकार्पस। तो समझ लेते हैं, इफ़ अ गाइनोजियम हैज़ अ सिंगल कार्पल, यानी कि किसी भी गाइनोजियम में अगर सिंगल कार्पल हो तो उसको हम कहेंगे मोनोकार्पस। अब आप सोच रहे होंगे कार्पल क्या है, तो कार्पल भी हम किसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ही हम क्या कहते हैं कार्पल कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी गाइनोजियम में मल्टीपल डिस्टिंक्ट फ्री अनफ्यूज्ड कार्पल्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे एपोकार्पस कहेंगे, और अगर किसी गाइनोजियम में मल्टीपल कार्पल हो जो कि फ्यूज्ड हो, ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे सिनकार्पस कहते हैं। तो जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है ये दोनों फिगर, सिनकार्पस और एपोकार्पस पिस्टिल का, तो पहला वाला देखिए जो सिनकार्पस कंडीशन दिखा रहा है, इसमें क्या है जो कार्पल क्या है आपस में फ्यूज्ड है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा सिनकार्पस हो जाएगा, और ये जो डायग्राम दिया गया है वो किसका है, वो पेपेवर का है। पेपेवर क्या मतलब अफीम, अफीम जो होता है ना आपने सुना होगा अफीम की खेती, ठीक है, जिससे ड्रग्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसका ही ये दिया गया है फिगर। फिर सी वाला है, तो सी वाला माइकेलिया का है जिसमें मल्टी कार्पल आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा कंडीशन हो जाएगा एपोकार्पस पिस्टिल का हो जाएगा। अब हम देखेंगे मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में, जिसके 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पहला है इंट्यूबमेंट, दूसरा है न्यूसेलस, तीसरा है फ्यूनिकल। तो ये है एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का फिगर, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसमें जो 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ओव्यूल के, मैं उसको दिखा देती हूँ आपको। पहला है फ्यूनिकल, ठीक है, दूसरा है इंट्यूबमेंट जो कि इनर इंट्यूबमेंट और आउटर इंट्यूबमेंट में डिवाइड होता है, और इम्पॉर्टेंट था क्या न्यूसेलस। ठीक है, चलिए बारी बारी से इन सभी को हम डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल को देखते हैं,
द ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टाल्क इज कॉल्ड फ्यूनिकल। यानी कि आपको पता है कि किसी भी ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और वो जो ओव्यूल होता है स्टूडेंट एक प्लेसेंटा से अटैच होता है छोटे से स्टाल्क की हेल्प से। उसी स्टाल्क को हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विथ फ्यूनिकल इन रीजन कॉल्ड हीलियम। यानी कि जहाँ पे ओव्यूल फ्यूज होता है जिस रीजन पर, उसी को कहते हैं हम हीलियम। और हीलियम जो होता है वो एक जंक्शन बताता है ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। यानी कि ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं। आप एक एग्जांपल समझ लो, जैसे कि आपने चना देखा होगा, चना जो आप अगर उसको भिगो देते हो तो फूल जाता है वो, उसके बाद आप देखते होंगे कि उसमें से रेडिकल्स निकल आते हैं। तो रेडिकल यानी कि मेन स्प्राउट आप कह सकते हो जिसको। तो फिर उसको अगर आप डिवाइड करो, आधा करो, तो आप देखते होंगे छोटे से पॉइंट से वो अटैच होता है। दोनों जो चना का जो सीड होता है, जो दोनों पार्ट होता है, वो छोटे से पॉइंट से अटैच होता है। तो वही जो रीज़न होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना हीलियम क्या होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, इंट्यूगमेंट। ठीक है, इंट्यूगमेंट क्या होता है कि ईच ओव्यूल हैज़ वन और टू प्रोटेक्टिव एनवलप कॉल्ड इंट्यूगमेंट। यानी कि कोई भी जो ओव्यूल होता है वो या तो एक इंट्यूगमेंट से सराउंडेड रहेगा या तो दो इंट्यूगमेंट से सराउंडेड रहेगा। तो अगर एक इंट्यूगमेंट से सराउंडेड है कोई भी ओव्यूल तो उसको कहेंगे यूनिटेगमिक, जो कि मोस्टली हायर डाइकॉट जो प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है। और अगर कोई ओव्यूल टू इंट्यूगमेंट से सराउंडेड है, दो इंट्यूगमेंट से सराउंडेड है, तो उसको क्या कहेंगे, बाईटेगमिक। और ये मोस्टली मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इंट्यूगमेंट यानी कि प्रोटेक्टिव एनवलप का काम करता है किसी भी ओव्यूल के लिए। नेक्स्ट है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या होता है कि स्मॉल ओपनिंग होता है ओव्यूल के सरफेस पे, जिसके थ्रू जो पॉलन ट्यूब होता है वो एंटर करता है। और इसी माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि है चैलेजा, जो कि रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो सेंट्रल पार्ट होता है ओव्यूल का, जिसमें एम्ब्रियो सैक पाया जाता है, उसी एम्ब्रियो सैक के जस्ट आउटर सरफेस पे क्या पाया जाता है, न्यू सेलस पाया जाता है, जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक क्या है कि एक लार्ज सेल होता है जो कि डेवलप करता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के ओव्यूल में, तो उसी को कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। तो एक बार फिर से फिगर से समझ लेते हैं जिससे आसानी होगा, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसमें इसका फिगर बनाने को आता है। तो देखते हैं हीलियम क्या था। हीलियम जो था वो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो था हीलियम। फ्यूनिकल क्या था, फ्यूनिकल प्लेसेंटा में ही एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर होता है स्टाल्क लाइक, उसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल क्या था, माइक्रोपाइल एक स्मॉल ओपनिंग होता है ओव्यूल पर जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब जो होता है वो एंटर करता है, तो वो था माइक्रोपाइल। यहाँ पे देखिए, और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एंड पे क्या पाया जा रहा है, चैलेजा, जिसको हम कहते हैं चैलेजल पोल। ठीक है, फिर एनवलप लाइक स्ट्रक्चर जो था किसके, ओव्यूल के आउटर सरफेस पे, जो सिंगल और डबल दो तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, इंट्यूबमेंट कहते हैं उसको। और जस्ट ओव्यूल के अंदर जो इनर स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं न्यूसेलस। फिर आता है एम्ब्रियो सैक, जो कि क्या होता है, एक लार्ज सेल होता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो ओव्यूल होता है उसमें, तो उसी को कहते हैं हम एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट है मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें मेगा स्पोर का फॉर्मेशन मेगा स्पोर मदर सेल से होता है, तो उसी को हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोर क्या होता है बच्चों, कि ये एक फीमेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल होता है। ठीक है, जो माइटोटिक डिवीज़न करता है जब एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, फिर एट लास्ट में जाकर क्या करता है, एट न्यूक्लियेट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिगर से देख लेते हैं एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को। तो ये है बच्चों एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को दिखाया है, जहाँ माइटोटिक डिवीज़न होता जाता है, और यहाँ पे जाके आप देखिए कि एट न्यूक्लियेट हो जाते हैं, और जिसमें से ऊपर की तरफ तीन चले जाते हैं, नीचे की तरफ तीन चले जाते हैं,
और दो सेंटर में आ जाते हैं जिनको सेंट्रल सेल कहते हैं या पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि यहाँ पे ये चैलेजल जोन पे जो होता है वो एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होते हैं, और जो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पे सिनर जीड प्रेजेंट होता है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि एंटीपोडल सेल और सिनर जीड क्या होता है। तो सिनर जीड क्या होता है? सिनर जीड्स आर टू सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक विच आर प्रेजेंट टूवर्ड इट्स माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे आपको सिनर्जीड दिख रहा होगा, दो सेल आपको दिख रहे होंगे जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ प्रेजेंट होता है, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? पॉलन ट्यूब को क्या करना? गाइड करना होता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सिनर्जीड होता है वो अट्रैक्ट करता है पॉलन ट्यूब को एम्ब्रियो सैक के टूवर्ड। और एंटीपोडल सेल क्या होता है? प्रेजेंट होता है चैलेजल जोन पर ऊपर की तरफ, और न्यूट्रिटिव होता है इसका फंक्शन, और ये नरिश करता है एम्ब्रियो सैक को। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। तो आप नोट्स बनाइए, और जहाँ भी कोई भी दिक्कत होती है आप फिर से पूछिए। थैंक यू सो मच।